मैं नौ नौ केमो खा के खड़ा हूँ, कैसे है कौन दिया शक्ति, ये उकाब की जवानी है, ये है परमेश्वर की सहायता, कैसे क्या मालूम मेरे को नहीं मालूम, कैसे शक्ति मिलता है मुझको नहीं मालूम, कैसे दिया मुझको नहीं मालूम, लेकिन कैसे हुआ ये मेरे को मालूम है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, और वो जीवन क्यों दिया ये मुझको मालूम है कि मैं उसके लिए काम करूँ, तुम्हारे लिए काम करूँ, अपने लिए काम करूँ, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने सारी चीज़ों के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, उसके नाम के लिए काम करने, जीवित रहने के लिए शक्ति दिया है, आयु दिया है, वो इसलिए उकाब के समान नया हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। आइए हम आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें, और मैं इस बार डेविड बर्नबास के वाइफ को मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो आके अपने हस्बैंड के उस गीत को इंट्रोड्यूस करें और हमारे इस कार्यक्रम को शुरुआत करें, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। हम उनका स्वागत करते हैं, मिसेस बर्नबास। जय मसीह की। आज मैं रुफिना बर्नबास डेविड आप सबको मेरे स्वर्गीय पति रेवरेंड बर्नबास मोसेस डेविड के विषय में बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मैसेंजर फॉर क्राइस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और वो देश विदेशों में जाकर प्रभु की सेवकाई करते रहे। उनके साथ में उन दिनों में जो लोग जुड़े हुए थे उनमें सिस्टर प्रभाती मोती, विनोद तिमोती, ब्रदर कुमार, ब्रदर देवदास और ब्रदर विनोद विश्वास और भी लोग जो जुड़े हुए थे, इन्होंने सब तरफ सेवा की। मैं उस समय में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करती थी और घर को संभालती, बच्चों को संभालती, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर ने मुझे और मेरे बच्चों को बहुत आशीषित किया। आज मेरे बच्चे तीनों के तीनों प्रभु की सेवा में कार्यरत है, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक गीत को जो मैं आज आपको उनकी रिकॉर्डिंग को सुनाना चाहती हूँ, वो गीत ये है जो उन्होंने खुद ने लिखा और खुद ने गाया है। आप इसे जरूर से सुनिए और आशीष को पाइए। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबा अपने गले लगा लिया, तूने मसीह मेहरबा मुझको गले लगा लिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। देखा गयान आपसे कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गयान आपसे कि मैं गुनाह में मरूं, दे दी नजात तूने मुझे खूने जिगर बहा दिया, दे दी नजात तूने मुझे खूने जिगर बहा दिया, तूने मसीह मेहरबा अपने गले लगा लिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब
गिरा दिया। तू ही सलीब तू ही पना, जाऊं मैं तुझसे दूर कहां। तू ही सलीब तू ही पना, जाऊं मैं तुझसे दूर कहां। तेरा हो लाख शुक्रिया, तूने मुझे अपना लिया। तेरा हो लाख शुक्रिया, तूने मुझे अपना लिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। तूने मसीह मेहरबान मुझको गले लगा लिया, अपने गले लगा लिया, मुझको गले लगा लिया। अब मुझे इस गीत को सुनने के बाद वही पुरानी यादें आती हैं, जब वो बाणबाज गाते थे, हम लोग दोनों साथ साथ में बहुत कम रहते थे, क्योंकि वो भी स्पीकर मैं भी स्पीकर, वो तो सिंगर और स्पीकर है, मैं तो खाली स्पीकर हूँ। और मैं गाना वाना गाता था ना, तो बताऊँ आपको, जब ग्रुप सॉन्ग होता था हम खड़े होके गाना गाते थे, तो मैं भी खंजरी लेके खड़ा हो जाता था, गाता था, और प्रभा मेरे बगल में आके खड़ी होती थी। क्यों मालूम? जहाँ थोड़ा बेसुरा हुआ ना, मेरे हाथ पकड़ के ऐसा खींचती थी, बोला क्या हो गया, तो बोलते बेसुरा हो, बेसुरे हो। मैं तो फिर धीरे हो जाता था। खैर, जो भी हो, वी एंजॉय दोस डेज, एंड वो दिन वापस नहीं आ सकते। प्रभु में वास्तव में बहुत ही आनंद के साथ हम लोगों ने काम किया। और बाणबाज जो है, हम लोग दोनों खासकर जब राजस्थान के दौरे में थे, करीब 15, उन लोग तो एक महीने करीब दौरे में थे, मैं तो करीब 15 दिन करीब था, और घूमते घूमते मैं चित्तौड़गढ़ से वापस आ गया, क्योंकि मेरी छुट्टी का सवाल था। और बाणबाज मेरे को हरदम बोलते थे, ब्रदर देखिए, एक दिन वो बोलते थे, एक दिन मैं बोलता था। जिस दिन उनकी बोलने की पारी रहती थी, तो मेरे को बोलते थे, ब्रदर देखिए, कहीं भी ऐसा लगे आपको कि आपको बोलना है और अंदर से कुछ आ रहा है, तो आप मेरे को इशारा कर देना, मैं हट जाऊंगा, आप बोलना। इस तरीके से हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के साथ किया। हमने कभी भी अपने नाम के लिए काम नहीं किया, क्योंकि जब अपने नाम के लिए हम करते हैं ना, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और जब उसके नाम के लिए करते हैं ना, तो सारी चीज़ें उठ जाती हैं, और वास्तव में आशीष प्राप्त होता है। और मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना आनंद आता था हमको उस समय, और वही आनंद हम अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, गाना गाया ना, सब ने गुनाहगार को छोड़ दिया, किसी ने नहीं, सब तिरस्कार किए, मतलब nobody has accepted, लेकिन एक है, प्रभु यीशु मसीह ने सलीबी लहू देखे, उसका उद्धार किया, उसको बचा लिया। और साथ में मैं पहली बार जब मधुकू घाट गया था, तो वहाँ पर के लिए ये मैसेज तैयार किया था। मेरे ध्यान में कुछ कुछ है, मेरे नोट्स तो सब राजनांदगांव में, मैं उसको ख्याल कर करके मैंने कुछ कुछ लिख के मैंने याद करने की कोशिश की। उकाब के बारे में मैंने बताया था, और उकाब जो है कैसे कि जो प्रभु यीशु मसीह में हम जीवन पाते हैं ना, तो उकाब के समान ताजगी देता है। मतलब जब हम उसकी मिनिस्ट्री करते हैं ना, एक उकाब के समान एक उफान अंदर में आता है, उकाब के तरह का स्वभाव आता है, उकाब के समान उड़ान आता है, उड़ते हैं। और उकाब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी देखें, अब बीच में आप देखें, परमेश्वर के वचन में से अपन देखते हैं, भजन संहिता 103:5 में कहता है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान हो जाती है।
और देखिए आइज़या इसी आयत का 40 और 31 जिसको कि मेन वचन लेके हम प्रचार करते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। यानी देखो बल मेरी एज खत्म हो जा रही है, उसके बाद भी हमको परमेश्वर शक्ति देते जा रहा है। मैं सोचता था कि कैसे करेंगे, अब तो ये ओल्ड हो जाएगा, जाना तो नहीं है, अब सब टूर सब खत्म हो जाएगा, एवेंजलिज्म कैसे हो जाएगा, कोई भी बुलाएगा तो सारी सुख सुविधाएँ बढ़ जाती हैं, आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं, दवाइयाँ चाहिए, ये सब चीज़ होता है, कैसे होगा। अब तो परमेश्वर ने एक ऐसा अवसर दिया है जिसको मैं सोचता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि घर बैठे मैं अपने अंदर की चीज़ को आप लोग तक पहुँचा सकता हूँ। मेरे को नहीं मालूम कौन सुन रहा क्या नहीं सुन रहा, किसके घर में हो रहा क्या नहीं हो रहा, मैं तो अपनी कलिसिया के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये कहाँ कहाँ पर सुन रहे, क्या क्या मेरे रिश्तेदार मेरे भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, लेकिन हर किसी को किसी एक को भी फायदा होता है ना तो समझ में आ जाती है। दिल्ली हम लोग जाते थे विश्ववाणी में, हम वो युवा दर्पण प्रोग्राम बुधवार को आता था 8:45 से 15 मिनट का, और उसमें एक बार मैं जो रेडियो वाले उसके पास जाते थे दिल्ली, उन लोग चिट्ठियां तो हमको नहीं देते थे, लेकिन वो चिट्ठियां जो है हम जाते थे तो हमको अपने अपने नाम के देते थे। तो जब मेरे एक तो देखा कि मेरे रेगुलर उसमें तो नहीं देख, उसका जो है गैप में फिलर के रूप में यूज़ करते थे, कभी कभी 4 बजे 3 बजे भी रात को 2 बजे मतलब उसके पास से शुरू होता था, कभी भी बजा देते थे जहाँ खाली रहता था। एक लेटर एक लड़के का मैंने पढ़ा, वो मेरा कहा कि 4 बजे करीब सवेरे डिप्रेस था, डिसऑर्डर्ड था, और मतलब मेंटली कुछ गड़बड़ था, फिजिकली और जो हृदय उसका खराब मतलब बहुत परेशानी था, पता नहीं क्या वो उन्हें बोला कि इतना परेशान था कि मैं सुसाइड करने के लिए निकला था। और जैसे ही निकला तो थोड़ी देर में एक रेडियो में से एक समाचार 4 बजे सवेरे आया, वो आप बोल रहे थे देवराज जी, और उसको सुनने के बाद मेरा दिल बदल गया और सुसाइड का प्रोग्राम टल गया और मैं वापस आ गया। अब बताओ किसको कैसा लगेगा, हैव आई डिग माई सेल्फ, क्या मैंने अपने से किया है, क्या मुझको मालूम था कि कोई ऐसा होने वाला है, क्या मालूम था कि वो कभी वैसा टेलीकास्ट होगा, परमेश्वर का काम है और उसके लिए थोड़ा सा मेरे को इस्तेमाल किया तो आई शुड बी थैंकफुल टू हिम कि उसने मुझे किया। प्रोत्साहित होता आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक उकाब की समान जवानी आ जाती है, एक नया उफान आता है, एक नई उमंग आता है, एक नई जोश आती है, एक पवित्र आत्मा हमारे अंदर में भर जाता है, और क्या होता है कहते हैं उकाब के समान उड़ेंगे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे चलेंगे और थकित ना होंगे, दौड़ेंगे तो श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे तो थकित नहीं होंगे। वाह 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 क्या बात है। उकाब क्या है, मतलब उकाब जो है ये एगल जो बोलते हैं ना एगल, ये उकाब, उकाब जो है आसमान में आसमान का राजा है, एयर ऑफ द किंग बोलते हैं, और लायन को शेर को जंगल का राजा बोलते हैं, और सारे जहान को प्रभु यीशु मसीह को राजा बोलते हैं। एक चीज याद रखना, क्या बोलता है कि ये उकाब जो है कैसे है, उकाब का अय्यूब का 39:27 में कहता है उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़, क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है, और आगे कहता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। उकाब जो है ऊंचे स्थान में पहाड़ों में जाके मैंने पढ़ा दरारों में खोज के घोंसला बनाता है, और उस घोंसले को बनाकर वहां पर अंडे देके बच्चा पैदा करता है, माँ बाप दोनों, और ये दोनों पैर जो है वहां पर उसको बनाते हैं। और ये घोंसले को कैसा बनाते हैं मालूम, मैंने पढ़ा था सबसे पहले बड़े 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 बबूल के कांटे टाइप के ला के कांटे वहां पर रखते हैं उस गड्ढे में उस दरार में कांटे जमाते हैं, कांटे जमाने के बाद उसके ऊपर पत्ते डालते हैं, पत्ते वगैरह सूखे गीले पत्ते लाकर डाल के उसके ऊपर लेयर लगाते हैं ताकि वो ना गड़े, और उसके ऊपर जो है अपने फर वगैरह पंख वगैरह और मुलायम चीज़ें रुई वगैरह टाइप के ला के उसके ऊपर डाल के गद्दा बनाते हैं। देखिए ना कितना दिमाग से काम किया। अब इसको मैं रिवर्स करूँगा तब आपको समझ में आएगा, पहले सोच लो। इसको बनाने के बाद अंडे देते हैं और उसमें सेकते हैं, और उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं उनको ले जाके माँ बाप दोनों खिलाते रहते हैं। चिड़ियों को कैसे खिलाते हैं वो पिक्चर्स वगैरह आपने देखा होगा, कैलेंडर्स में भी रहता है, कई पिक्चर्स हैं एड्स वगैरह अपन देखते हैं, और वैसा होता है वहाँ बना के रखते हैं। अब ये घोंसला जो है
तैयार हो गया, बंदे हो गए, बच्चे पैदा हो गए, और बच्चे जैसा हो गए उस बच्चे को वो बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, उसमें फर आते जाएंगे, पंखे क्या होते पंख आते जाएंगे, और वो धीरे 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 जब उड़ने के लायक होते हैं ना, वो उड़ते नहीं हैं। क्यों? कभी उड़े नहीं जिंदगी में, वहीं हैं, बैठे हैं, आराम से खाना मिल रहा है, बस उसी चार दीवारी में फंसे हैं, आराम है, चैन से है, उड़ो तो नहीं नहीं। अब उसके लिए क्या करते हैं, ये ऊपर का गद्दा निकालते हैं, उल्टा आ जा रहा हूँ ना, सोचिए गद्दा निकालते हैं, गद्दा निकालने के बाद उसके पत्ते निकालते हैं, उसके पत्ते निकालने के बाद अब क्या हुआ, कांटे, कांटा गढ़ रहा है तो क्या करेगा ये, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करके बचने की कोशिश करें तो भी गढ़ रहा है, अब क्या मरता क्या नहीं करता, निकलता है, उतने में बोलते हैं निकलने कोशिश करता है, माँ पीछे चोंच से एक धक्का मारती है, बाहर गिरा, बाप तैयार है, और जब गिरने लगता है तो बड़े बड़े पंख होते हैं उकाब जो है, वो पंख को लेके बच्चे को उठाता है, बच्चे को उठाते जाता है, अब बच्चा जो हवा में तैरता रहता है, उड़ते रहता है, गिरता है तो फिर उठाता है, गिरता है तो फिर उड़ता है, फिर थक जाता है तो फिर जाता है, घोंसले में घुसता है, घोंसले में घुसने के बाद चैन नहीं, फिर कांटे हो रहे हैं, फिर उड़ रहे हैं, फिर बाप संभाल रहा है, जब पूरा उड़ने लगे तो फिर घोंसले का सवाल ही नहीं उठता, अब तो ऊपर उड़ के चले गए। क्या हुआ, एक जीवन नया, मतलब कैसे निकाल के परमेश्वर तैयार करता है मुझको तुमको हमको, याद रखना कितने अवसर देता है, कैसे करता है, कभी कभी तो गद्दा निकालता है, पत्ते निकालता है, कांटे लगाता है, उसके बाद भी नहीं निकलते हैं लेकिन तैयार करता है, और कहता है चल मेरे साथ, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा अपना सलीब लेके चलेगा बोलता है, जब तक अपने घर द्वार को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम मेरे पीछे नहीं जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन से अलग अलग है, बात दूसरी है, उसको कैसे भी इंटरप्रेट करे जो भी करे, लेकिन एक चीज़ है कि मुझको वो तैयार करके निकाल के ले जाता है, और जब एक बार उड़ने लगता हूँ ना तो मैंने बताया क्या आनंद आता है उसकी मिनिस्ट्री में, एक एक रिजल्ट देखते हैं तो अच्छा लगता है, लोगों के एक्सप्रेशन देखते हैं तो अच्छा लगता है, हमारे अंदर में एक उफान आता है तो अच्छा लगता है, वही है उकाब के समान, मतलब उस घोंसले को आते हैं, मतलब क्या हुआ, घोंसले में पैदा हुए, घोंसले में बढ़े, घोंसले से निकले, और निकलने के बाद ये उकाब जो है, कहते हैं कि उकाब जो है बहुत ही शक्तिशाली पक्षी होता है, मैंने बताया ना आपको, क्या बताया कि उकाब क्या है, एक आसमान के मतलब हवा, किंग ऑफ एयर बोलते हैं जिसका, बोले हवा, हवा हवा का बादशाह, मतलब आसमान का राजा कहेंगे जिसको, और ये जो है उकाब जो है नया जीवन भी प्राप्त करता है, कैसे होता है उकाब के साथ, देखिए कि जनरली पढ़े बहुत सारे ऐसे कमेंट्रीज वगैरह में अलग अलग एज दिया है, कुछ लोग बताते हैं 100 साल करके, लेकिन बहुत से मॉडर्न साइंस वाले उसमें बल ये मैगजीन्स वगैरह में देखेंगे आप 70 ईयर्स का बताते हैं, 70 ईयर्स भी बताते हैं, उसके बाद फिर और कम करके बोलते हैं 30 to 40 ईयर्स के बीच में रहते हो, लेकिन ये 30 to 40 ईयर्स में यदि वो ऑप्शन हो उसके पास वेदर टू डाई और सर्वाइव, ये मतलब बच्चे मरना चाहे तो मर सकते हो, निकला जैसे क्या होगा, जो ऊंची उड़ान उड़ने का हुआ है, ऊंची उड़ान में क्या है, ये जो ऊंची उड़ान भर के ऊपर चलता है ना, तो चलते 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 वहां से नीचे देखता है, और नीचे देखता है ना तो बोलते हैं कि करीब करीब क्या बोलते हैं, ढाई किलोमीटर करीब करीब ऊपर रहता है ना, तब भी वो नीचे जो है रैबिट, जिसको बोलते क्या बोलते अपन, खरगोश, खरगोश को देख सकता है, और जो चींटी नीचे चलती है ना उसको 10वें मंजिल, अपन जो बिल्डिंग्स में रहते हैं 10वें मंजिल से देख चींटी को भी वो देख सकता है, मतलब उसकी आंख, मतलब उसके पास टेरिफिक विजन है, क्या बोलते हैं मतलब मास्टर विजन है, जिसको बोलते हैं मैचलेस विजन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भयंकर दृष्टि, दीर्घ बस बहुत दृष्टि उसकी बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी, आदमी के आंख के बॉल होते हैं ना उसके 9 गुना बड़ा जो है उसका बॉल आंख का होता है बोलते हैं, और देखने में, और उसकी पलके जो होती है ना तो पलके जो है वाइपर का काम करती है, पानी वानी गिरता रहता है ना तो वो वाइपर का काम करती रहती है और वो साफ करती रहती है, मतलब उसकी दृष्टि जो है एकदम बढ़िया तीव्र हो जाती है, आत्मिक तौर से मैं इसको ऐसा बताऊं कि हमारी दृष्टि जो है तीव्र हो जाती है, हमको दर्शन होने लगते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई चलते हैं, वो रोशनी दिखाई देती है, वो हलचल पता लगता है, अंदर बदन में सेंसेशन होता है, रोएटे खड़े हो जाते हैं, दुआ करो समझ में नहीं आता कितना टाइम किए ले क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता, बोलते जाओ दिल भरते जाता है, जब उठते हैं तो ऐसा लगता है हल्का हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई है, इतना हल्का लगने लगता है,
उकाब के समान जवानी आती, दृष्टि दिखता है, हर चीज साफ साफ देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। जैसे व्यवस्था विवरण 32 और उसका 11 और 12 वचन देखिए, मैं निकाल आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें जैसे आप बाद में आराम से पढ़ लेना। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। मूसा का गीत है भाई ये, मूसा गाता है, मूसा बोलता है, गीत के रूप में बोलता है, और इतने लंबे वचन है। उसके बाद जो अंतिम अध्याय में आप देखोगे उस व्यवस्था विवरण, उसमें आगे चलेंगे तो वो हर एक को बुला बुला के आशीष देता है, और फिर मतलब ये सारी चीजें मूसा के अनुभव को बतलाता है। मूसा को जो है कैसे किस प्रकार से घोंसले में रखा, पानी में रखा, राल लगा हुआ टोकनी में लेके पानी में छोड़ दिए, पानी में छोड़ दिए, फिर आके क्या हुआ, घूम फिर के आकर अपने ही माँ का दूध पिया, और अपने ही माँ का दूध पिया और बढ़ा, और कहाँ बढ़ा, राजघराने में बढ़ा, पूरी ट्रेनिंग लिया, पूरी शक्ति, सारे कलाएं सीखा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, पूरा मैनेजमेंट सीखा। सब सीखने के बाद वहाँ ये रह जाता, उसको निकालने नहीं देते, लेकिन क्या किए, गद्दा निकाला, उसके बाद पत्ते निकाला, उसके बाद कांटे आए, अब भागो, मूसा निकल के भागा, मर्डर केस में फंसा आता, निकल के भागा, भाग के कहाँ गया, इत्रो की तरफ। आपको सब मालूम है, आगे जैसे चलते गया, क्या परमेश्वर ने उसका सहायता किया, उकाब के समान उड़ता रहा, सारी चीज़ें छोड़ दी उसने, सारे अच्छाई को छोड़ दी, और इधर जाके जंगल में फंसा, लेकिन उसमें भी आनंदित था, कैसे, परमेश्वर उसके साथ में था। क्या कहें, जब उसमें पानी की दिक्कत आई, सामने जा नहीं सकते, तो समुंदर को सुखा दिया, और सूखा के बीच सूखे रास्ते में चले गया, मतलब पानी को सुखा दिया, और आगे बढ़े, जहां पानी की जरूरत पड़ी तो सूखे चट्टान से पानी निकाल दिया, पानी को सुखा दिया, जहां नहीं निकलता वहां से निकाल दिया, सब चीजें किया, खाने को नहीं था ऊपर से दिया, ऐसा खाना दिया कि मतलब वो इतने महान खाना उनको दिया, मन्ना दिया, और उसे देख के संभालते चले गया। ये सारी चीजों का बयान वो करता है, जो सब मतलब क्या है, परमेश्वर जो है बोलता है जो करता है, माय गॉड, मेरा खुदा क्या है, वो है जो बोलता है वो करता है। उसका डेफिनेशन क्या है, बोलता है मैं जो हूँ सो हूँ, मतलब उसने बोला मैं जो हूँ, मतलब आई एम दैट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। और एशिया के 42 के उसके 8वें वचन में लिखता है, मैं यहोवा हूँ मेरा नाम यही है, मैं यहोवा हूँ मेरा नाम यही है। अरे क्या कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर बता रहा है, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, मैं जहाँ ले जाता हूँ ले जाता हूँ, जो दिखाना है दिखाता हूँ। लेकिन फिर दूसरा पहलू भी है, बाद में उसको तुम संभाल लेना। लेकिन क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि जंगल के शेर और आसमान के शेर, आसमान के राजा, ये दोनों जो हैं अपने हैं। उकाब जो है इसके पास मैचलेस विजन है, ये कहीं भी देख सकता है और कुछ भी कर सकता है। और मैं बताऊं इसके सामने, अच्छा एक चीज़ और याद आता है, एक कैमोफ्लेज करते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ गिरगिट वगैरह ऐसे हैं, कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो कि अपना रूप रंग बदल लेते हैं, जैसे माहौल, पत्ता हरा है तो हरे हो जाते हैं, रेत में है तो खाकी टाइप के हो जाते हैं, और कांटे निकाल के कांटों में हो जाते हैं, ये सब होता है। लेकिन उकाब को तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, बोले ऊपर से देखना है, देखने के बाद सही चीज पहचानता है, अपने निशाने को जानता है, उसके पैरों में ताकत है, और आके समुंदर में जो मछलियां चलती है ना, जब ऊपर कुछ आती है ना, वो देखता है और ऊपर से बिल्कुल स्लाइड करके आता है और आके पैर से पकड़ के ले जाता है, इजीली, नेवर मिसेस दैट, कभी भी टारगेट गलत नहीं होता उसका, इतना सही टारगेट पे आके वो मार के निकाल के ले जाता है। ये उकाब क्या करता है, उकाब जो है जो बोलते 4600 मीटर से भी ऊपर उड़ता है, हेलीकॉप्टर से भी ऊंचा उड़ता है। और देखिए मतलब ये एक विश्वासी जो है उसका कोई पैमाना नहीं है, उसकी दृष्टि भी बहुत तगड़ी है, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, वो परमेश्वर साथ में है, पवित्र आत्मा उसके साथ में है, जो मैं हूँ वो सो हूँ वो उसके साथ में है, मैं यहोवा हूँ वो मेरे साथ में है, यहोवा मेरे साथ में है, और वो मुझे बचाएगा, और मेरे चीज़ों को वो संभाल के इस तरह से इस्तेमाल करता है कि मेरी हर चीज़ जो है उसके काम के लिए आ जाती है।
मेरे जैसे नाचीज को लेके वो चीज बना देता है, ये चीज है। देखिए मतलब ये हुआ कि ये अवकाब जो है आसमान में उड़ता है और दर्शन इसके पास में है, दीर्घ दृष्टि। दर्शन मतलब प्रोवर्ब शायद 2918 कुछ ऐसा दिया हुआ, जहाँ दर्शन की बातें नहीं है वहां पर लोग क्या होते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। मतलब दर्शन नहीं है तो खत्म हो जाते हैं। इसके पास वो दर्शन है, इसके पास जो सेफ्टी है, और इसके पास मैंने बताया था कि 30 से 40 साल के बीच में इसको रिवाइव करना पड़ता है, मतलब अपने को नया करना पड़ता है। क्या होता है, इसकी नखून जो है पैर के वो कमज़ोर हो जाते हैं, अपने से ज़्यादा वजन के चीज़ को भी उठा के ले जाता है ऐसा बोलते हैं। और ये काले भालू वगैरह होते हैं ना, उसको पकड़ के ले जाते हैं करके भी मैं पढ़ रहा था। बाकी जानवर छोटे मोटे तो ले ही जाता है। और ये जो है जब ये इसके कमज़ोर पड़ जाते नाखून, और चोंच जिसको बढ़िया भाई चोंच है इसका, जिसमें शक्तिशाली चोंच है, वो भी इसकी कमज़ोर हो जाती है। इसके पर भी जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। और ये सूरज को पसंद करने वाला पक्षी है, और सूरज के पास जाता है उस गर्मी को महसूस करता है। और कुछ लोग ऐसा लिखे हैं, कुछ पढ़ा मैं, कि समुंदर में गिरता है गीले फरों को लेके, पहाड़ पे लेके जाके वो फर को निकाल लेता है जैसा। लेकिन ये है कि ये जब ऐसी परिस्थिति आती ना बदलाव की, तो ये पहाड़ के कोने में ऊपर चोटी में चले जाता है, जहाँ के अपने पूरे पंख परों को सबको खींच के निकालता है। और उसके बाद ये नाखूनों को रगड़ रगड़ के पत्थर पे रगड़ रगड़ के चोंच से मार मार के निकालता है, चोंच को भी मार मार के निकालता है। एक लेखक तो लिखता बोलता है, ऊपर से की खून की बूंद गिर रहे थे, कहाँ देखे तो एकदम ऊपर में यही पक्षी है जो कि अपना रूप बदल रहा है। ये चोंच का बदल, बीक चोंच बदलता है, नाखून को बदलता है, अपने पंखों को बदलता है, सब बदल के करीब करीब इसके लिए क्या बोलते थे 150 दिन का टाइम लगता है बोलते इसको। और ये 3 महीने करीब, ये 150 दिन जो है ये वहां पर रह के पूरा नयापन लेके निकल के फिर जवान के निकल जाता है। इसीलिए क्या बोलता है, उकाब के समान जवानी तुझको दूंगा, चलेगा तो थके नहीं, दौड़ेगा थकेगा नहीं, तू दौड़ के समित नहीं होगा, चलेगा तो थकेगा नहीं, और देखे उकाब के समान उड़ेगा, फिर वही उड़ान आएगी तेरी, फिर वही तू हेलीकॉप्टर से भी ऊपर जाएगा। और दूसरी बात कि ये जो उकाब को उकाब की तरह हमको करने को बोलता है, तो हमारी नज़र को तेरे करेगा, हमको दृष्टि दिखेगी, परमेश्वर की मतलब उसकी रोशनी हमको दिखेगी, और उसके मार्ग हमको दिखेगा, उसका दर्शन हमको मिलेगा, और उसके अनुसार हम अपनी शक्ति को लेते हुए जाएंगे जहाँ रिन्यू करना पड़ेगा, और रिन्यूअल भी हमारे पास आएगा। ये तो नया जन्म शुरू में ही हमको प्राप्त हो जाएगा, और वो जरूरत पड़ेगा फिर से हमको रिवाइव करता है, रिन्यू करता है, और नई शक्ति प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं, और आगे बढ़ते 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 इतना बढ़ते हैं कि हमारे संसार की कोई अड़चने हमारे जीवन में काम बेकाम हो जाती, सारे शैतान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे स्टॉर्म आया, मान ले तूफान आया, औकाब क्या करता है, उस तूफान में आनंदित होकर उस तूफान को बेस बनाकर उस तूफान के ऊंचाई से भी और ऊपर निकल जाता है। तो तूफान कहाँ गया, नीचे गया, इतने ऊपर उड़ सकता है, और उस तूफान का भी फायदा उठाता है। मतलब इसके लिए आहार भी छोटा दिखता है, कौन सा आहार दिखता है, कहाँ पर वचन देना है, किस कौन है जिस पर मैं अपना वचन दूंगा, किसको मैं गवाही दूंगा, हम समझ में आ जाता है। और उसकी नीड हमको दिखाई देती है, कहाँ क्या बोलना है ये समझ में आता है, कैसे व्यवहार करना ये समझ में आता है, किसके साथ कैसे रहना ये समझ में आता है, अपनी गवाही कैसे प्रस्तुत करना ये समझ में आता है, मैं कलीग्स के साथ कैसे रहूँगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे रहूँगा, अपने ऑफिस में कैसे रहूंगा, अपने यात्रा में कैसे रहूंगा, अपने रहने सहन में कैसा रहूंगा, खान पीन में कैसे रहूंगा, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, दूसरों की सहायता कैसे करूंगा, अट्रैक्ट कैसे करूंगा, एवरीथिंग कम्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि उकाब के समान एक नया जीवन, नया जिंदगी हमको प्राप्त हो जाता है। याद रखना, जब उकाब के समान हमारा जीवन हो जाता है, हम सारे तूफानों से ऊपर उड़ जाते हैं, सारे क्लाउड्स के ऊपर निकल जाते हैं, सारे मुसीबतों को ऊपर लेके चले जाते हैं, सारी मुसीबतें खत्म हो जाती है। अब कैसे हो सकता है, जब तक हिम्मत नहीं है, मैं 9-9 केमो खा के खड़ा हूं, कैसे है कि कौन दिया शक्ति, ये उकाब की जवानी है, ये है परमेश्वर की सहायता। कैसे, क्या मालूम, मेरे को नहीं मालूम, कैसे शक्ति मिलता है मुझको नहीं मालूम, कैसे दिया मुझको नहीं मालूम, लेकिन कैसे हुआ ये मेरे को मालूम है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, और वो जीवन क्यों दिया ये मुझको मालूम है, कि मैं उसके लिए काम करूं, तुम्हारे लिए काम करूं, अपने लिए काम करूं,
अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलिसिया के लिए, अपने सारी चीज़ों के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, उसके नाम के लिए काम करने, जीवित रहने के लिए शक्ति दिया है, आयु दिया है, वो इसलिए वो काब के समान नया हो जाएंगे। मैंने आपको हल्क बताया, देखिए मैं बताता हूँ कि जब लालसा अंदर में रहती है ना, इच्छा हमारे अंदर में रहती है ना, प्रभु हमारी सहायता करता है। और ये इच्छा कैसी दिखती है, मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए मैं बिली ग्राहम के बारे में, कोई लेडी का प्रिस्किला नाम का कोई था, वो बता रही थी, मैं सुना, और मतलब टीवी मैंने सुना, वो बताती है कि अमेरिका से स्टूडेंट्स को लेके, थियोलॉजी स्टूडेंट्स को लेके प्रोफेसर जो है इंग्लैंड टूर में गया। इंग्लैंड टूर में जाके वहाँ बस में घूम रहे थे और वहाँ पर एक मेमोरियल, ये हॉल है जिसको अपन बोलते हैं जॉन वेस्ली का बंगला है, उसको एक मेमोरियल वो बना दिए हैं ताकि वहाँ जाके उसके जो डाइनिंग टेबल कहाँ है, कहाँ खाता था, कहाँ रहता था, कहाँ सोता था, क्या है, वो सारी चीज़ें, घर का दौरा सब कराए। और एक कहेगा उसके बेडरूम में दिखाए, और बेडरूम में जो है कारपेट में खटिए के पास दो इतने बड़े बड़े घुटने के टॉप के गड्ढे थे कारपेट में। वो गाइड ने बताया कि यहाँ पर जॉन वेस्ली जो है घुटना टेक के दुआ करता था। हाँ, खूब अच्छा लगा, सब लोग चले गए, बस में बैठ गए। फिर वो जो गाइड है गिनता है ना कितने लोग हैं, एक मिसिंग था, कहाँ गया, तो कहाँ होगा, तो उसी घर में होगा। गए डाइनिंग रूम में, गए वहाँ नहीं है, जो किचन में गए वहाँ नहीं है, कहाँ गए कहाँ ही नहीं है, ड्राइंग रूम में नहीं गए, आखिर में उसके बेडरूम में गए, वहाँ भी नहीं दिख रहा, कहाँ दिखा, जहां पर जॉन वेस्ली के गड्ढे थे ना घुटने के, उस गड्ढों में अपने घुटना डाल के बोलता था, ओ लॉर्ड डू इट अगेन, लॉर्ड डू इट अगेन, लॉर्ड डू इट अगेन, बस यही दुआ कर रहा था। उसको फिर बोले चलो टाइम हो गया है, कंधे पे हाथ रख के उठा, कौन था मालूम, बिली ग्राहम था। डू इट अगेन, आई टू प्रे डू इट अगेन, यू शुड प्रे डू इट अगेन, हम मिलकर दुआ करें डू इट अगेन, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है ना मेरे भलाई के लिए करता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो अच्छा सेहत दिए तो उसको, अरे भाई एक लेडी थी जिसकी आँख की रोशनी जा रही थी, पादरी उसके पास गया तो वो बोली पादरी साहब आइए बैठिए, वेलकम, आप आए हो, लेकिन एक चीज मेरी विनती है, मेरे आँख के लिए दुआ मत करना। वो उसी लिए गया था क्योंकि शी वॉज लूजिंग हर साइट, आँख के लिए दुआ करने गया था, मेरे आंख के लिए दुआ मत करना। बोले क्यों, ये आंख की रोशनी खत्म होते जा रही है तो मेरी आत्मिक रोशनी बढ़ते जा रही है, I don't want to lose that रोशनी, मेरे को वो रोशनी चाहिए, मेरे को रोशनी चाहिए, इसलिए दुआ मत करना, खुदा जो दे रहा है उसको मुझको लेने देना। आप बाकी दुआ कर सकते हैं, हम लोग दुआ कर सकते हैं। याद रखना कि जब हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम रहता है ना, जोश रहता है ना, तो हमारे लिए जो कुछ भी मिलता है सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न होती है। कैसे, मैं आपको और बताऊं कि मैं क्रिस्टोफर के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं, क्रिस्टोफर दत्ता जो कि मेरे साथ में था, एज डिफरेंस हमारी बहुत है, लेकिन हम दोस्त जैसे रहते थे। लोग हमारे, मेरे कॉलेज पूछते थे उससे कैसे दोस्ती करता है यार, वो तो छोकरा है। मैं बोला करके देख तब पता लगेगा, प्रभु में हम एक साथ में हैं। वो जब कैंसर, उसको सबसे पहले कैंसर उसको डिटेक्ट हुआ ना, आई वाज द पर्सन टू नो दैट, डॉक्टर ने मुझको बताया कि इसको देखो, और गले में जो एंडोस्कोपी क्या बोलते शायद वो डाल के देख रहा था ना, मेरे को बुला के लेकर आके दिखाया, एक जैसे अनार फूटता है ना वैसे फूट के अंदर से बादाने निकल रहे थे। बोले यू शुड टेक हिम इमीडिएटली टू सम हॉस्पिटल। सबसे पहले मुझको पता चला, कैसा लगेगा बताइए। फिर गया वेलोर, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन नहीं करा रहा था, बनर्जी डॉक्टर था, उसने बोले हम डॉक्टर्स को भी तो खुदा, मैं भी विश्वासी हूँ, खुदा ने हमारे हाथों में भी, हमारे दिमाग में भी आग बुद्धि और ज्ञान दिया है कि हम बचा सकें, हम काम कर सकें, हमको करने दो, क्योंकि वो बोलता था दुआ से मैं ठीक हो जाऊँगा। आखिर में जब ऑपरेशन हो गया, जितने दिन कोमा में था शायद जो भी है मेरे को उतना डिटेल नहीं, लेकिन था हफ्ते से ऊपर, और जब वो ठीक हुआ तो उसने एक गीत लिखा। एक गीत तो मैं शुरू में सुनाया था, डिनर में लड़की इंट्रोड्यूस की थी, एक गीत लिखा, और उस गीत को देखिए, उस गीत को क्या कैसा लिखता है, मतलब जीवन नया प्रभु ने दिया है उसकी स्तुति मैं करूं सदा, मतलब एक जीवन दिया है मैं उसकी स्तुति करूंगा, तन मन नया किया है मैं उसकी स्तुति सदा ही करूंगा। और उसके बाद अंतरे में करता है कि ये डोर, ये धागा टूटने वाली थी जिसको तू टूटने नहीं दिया,
सब कुछ नया कर दिया, और खुशी का बयान मैं कैसे करूं, उसकी मोहब्बत को मैं कैसे जानूं, सब कुछ नया किया, रात भी नहीं होगी, दिन भी नहीं, सब कुछ मेरा जीवन ही नया कर दिया। ये गीत लिखा लेकिन ट्यून नहीं कर पाया, उसको विनोद विश्वास ने ट्यून किया, और विनोद विश्वास आई अप्रिशिएट यू कि उसने, हम साथ में थे ना क्रिस्टोफर विनोद, हम लोग सब साथ में थे, तो क्रिस्टोफर की आवाज़ को इमिटेट करके गाया, दैट आई अप्रिशिएट। मेरे को लगा, मैं आंख बंद करके सुनूँ ना, मेरे कभी कभी लगता है कि क्रिस्टोफर ही गा रहा है। वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए, उकाब की जवानी प्राप्त करिए, यदि तुम्हारे अंदर में कोई कमी है, नाउ दिस इज द टाइम टू रिपेंट। हाँ, उस चोंच को निकाल दो, उस नाखून को निकाल दो, उन परों को निकाल दो, नया पल लो, नया जीवन लो, नया जीवन लेके नए तरीके से अपने जीवन को प्रारंभ करो। इट मीन्स समथिंग। आज आपसे बात करने का कोई मतलब है, आज शायद प्रभु मेरे को ये वचन दिया, कोई मतलब है, मुझसे कुछ बात कर रहा है, ये मतलब है, मेरे जीवन को संवारना चाहता है, ये मतलब है। याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा कि यू हैव टू फेस द थ्रोन ऑफ जजमेंट, और मतलब क्या है, हर किसी को उस सिंहासन के सामने जाना पड़ेगा, न्याय के सिंहासन के सामने अपने आप को साबित करना पड़ेगा, और तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में है कि नहीं देखना पड़ेगा। आइए हम क्रिस्टोफर दत्ता के उस गीत को विनोद विश्वास की आवाज़ में सुनते हैं, और उसको सुनने के बाद हम दुआ करेंगे और आज की सभा को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जीवन प्रभु ने दिया है नया, उसकी करूं मैं स्तुति सदा। जीवन प्रभु ने दिया है नया, उसकी करूं मैं स्तुति सदा। तन मन प्रभु ने किया है नया, उसकी करूं मैं स्तुति सदा। तन मन प्रभु ने किया है नया, उसकी करूं मैं स्तुति सदा। जीवन प्रभु ने दिया है नया, उसकी करूं मैं स्तुति सदा। जीवन प्रभु ने दिया है नया, उसकी करूं मैं स्तुति सदा। जीवन की डोर तो टूट रही थी, पल पल ये सांसें भी डूब रही थी। जीवन की डोर तो टूट रही थी, पल पल ये सांसें भी डूब रही थी। ऐसे में आकर जो तूने छुआ, तन मन तो फूलों सा खिल ही गया। ऐसे में आकर जो तूने छुआ, तन मन तो फूलों सा खिल ही गया। जीवन प्रभु ने दिया है नया, उसकी करूं मैं स्तुति सदा। नहीं है अब रातें और दिन भी नया, कैसे करूं इस खुशी का बयान। नहीं है अब रातें और दिन भी नया, कैसे करूं इस खुशी का बयान। उसकी मोहब्बत का तू क्या सिला, खुशी के है आंसू और दिल में दुआ। उसकी मोहब्बत का तू क्या सिला, खुशी के है आंसू और दिल में दुआ।
जीवन प्रभु ने दिया है नया, उसकी करूँ मैं स्तुति सदा। जीवन प्रभु ने दिया है नया, उसकी करूँ मैं स्तुति सदा। तन मन प्रभु ने किया है नया, उसकी करूँ मैं स्तुति सदा। तन मन प्रभु ने किया है नया, उसकी करूँ मैं स्तुति सदा। जीवन प्रभु ने दिया है नया, उसकी करूँ मैं स्तुति सदा। जीवन प्रभु ने दिया है नया, उसकी करूँ मैं स्तुति सदा। हमारे दयालु जीवते परमेश्वर, बड़े भाई और भक्ति के साथ तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। ये जीवन तूने क्यों दिया खुदावन? तेरे नाम को बढ़ाने के लिए, ईमानदारी से रहने के लिए, ईमानदारी से तेरे सेवकाई करने के लिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी व्यक्तिगत अलाभ के हम तेरे काम को कर सकें और तेरे आशीषों को प्राप्त कर सकें। खुदावन सारे लोग जितने तेरे वचन को सुना उन पर आशीष होने दे, तेरी दया दृष्टि हम पर होने दे, ताकि एक भी आत्मा तेरे राज्य में जाने से बच न पाए। ये मेरी तुझसे दुआ है आज की इन कठिन परिस्थितियों में भी। खुदावन जो तेरे दास दासी सेवकाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हिम्मत से, उन पर तेरी कृपा अनुग्रह बने रहने दे। हम सब को चैन का जीवन दे। जो कुछ भी जीवन तूने दिया खुदावन, ये तेरा है, तेरे काम में आए। और हमारी दुआ ये है कि जैसे हम हैं वैसे ही हम तेरे पास सदा रहें और सदा रहें, अनंत जीवन में रहें और तेरे साथ में रहें, तेरी कृपा अनुग्रह में रहें, तेरी दया दृष्टि में रहें। बाकी सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी की जाए, ये हमारी दुआ सुन कबूल कर। आमीन आमीन। आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर जो शांति का दाता है, तुम्हें आप ही पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारे देह प्राण और आत्मा को प्रति यीशु के आते तक निर्दोष और सुरक्षित रखें। परमेश्वर सच्चा है और ऐसा करेगा भी। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, मति यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति संगति सहभागिता तुम में से हर एक के साथ मति यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष।